the probability that a shooter hits a target is a 1/3, and the minimum number of trials such that probability hitting the target at least, ये JEE में question आ चुका है, ठीक है, मान लिया एंड टारगेट, मतलब अब जैसे अगर मेरे को दो ट्रायल दिया जाएगा या तीन ट्रायल दिया जाए तो ऑफकोर्स तीन में हिट करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे, ये ठीक है, ऑफकोर्स हिट करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब उसने ये बोला कि कितने ट्रायल देने चाहिए 5/6 को क्रॉस कर जाए, ये ठीक है, तो या तो हम ऐसे करेंगे पहली बार हिट कर जाए या दो बार हिट कर जाए या तीन बार हिट कर जाए या चार बार, तो उससे तो सीरीज़ बनेगा, उसके बजाय हम बाइजेक्शन से कर सकते हैं। मान लिया उसे मैक्सिमम एन चाहिए, तो एन के अंदर अंदर हिट करने का मतलब क्या है कि 1 माइनस उसने एक बार भी हिट नहीं किया, ठीक है, हिट करने की प्रॉबिलिटी 1/3 है, तो नहीं हिट करने की 2/3 रेस टू पार एन, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 5/6, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और देख लो कि एन की मिनिमम कितनी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 4, 5, 6, 7, तो इनको रख के देख सकते हैं। फिर क्या है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस एंड ऑर्थो सेंटर, देन थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल लाइक, हाँ अब ये क्वेश्चन हो गया कि अगर ये रिजल्ट याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर रिजल्ट याद नहीं है, ये ठीक है, फिर टाइम लगेगा इसमें, ये ठीक है, ये मान लिया हो गया क्या ए बी सी, ये ठीक है, मान लिया बी और सी दे रखा है, ऑर्थो सेंटर ने ये 0-0 बोला है, ये ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड खींचे गए, और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,2, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,3, और बेसिकली थर्ड वर्टेक्स पूछा, थर्ड वर्टेक्स में उसने चालाकी क्या की, उसने ऑप्शन नहीं दिया, ये ठीक है, क्योंकि ताकि ऑप्शन की तरफ से कोई अप्रोच ना करके देख लेके कहाँ पे 90 डिग्री आ रहे हैं, मतलब अगर मेरे को ए के कोऑर्डिनेट दे होते तो मैं 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के यहाँ से इसका स्लोप निकालता, बी सी का स्लोप निकाल के देख लेता, ये ठीक है, तो उसको रोकने के लिए इसने क्वाड्रेंट में दे दिया, ये ठीक है। अब उसमें हम करेंगे कैसे, बेसिकली ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा है, एच बी सी, इसका ऑर्थो सेंटर ए होगा, क्यों ए होगा, कि जैसे ऑर्थो सेंटर हम करते क्या है कि ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जैसे एच से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी सी पे, वो ये चला गया यहाँ तक, ठीक है। अब एच सी एक साइड है इस ट्राइंगल का, उसको मैंने आगे बढ़ाया, तो एच सी साइड के ऊपर तीसरे वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन है, तो अब ये लाइन जाके वापस ए पे कट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो शेडेड ट्राइंगल है इसके लिए ए ऑर्थो सेंटर का काम करेगा, तो अगर ये मेरे को रिजल्ट बताया तो हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं ऑर्थो सेंटर के लिए। अब मेरे को बेसिकली एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो दो परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, दो ऑल्टीट्यूड के इक्वेशन निकालो, उनको सॉल्व कर लो तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, रिजल्ट याद हो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं याद हो फिर कैलकुलेशन लगेगा। इनवर्स के क्वेश्चन में हमने बताया कि आंख बंद करके तुम्हें कभी भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, हमेशा डिफरेंस मेथड लगेगा, दिस आई हैव सीन, 2p का सिग्मा हो जाएगा 2n n + 1/2, मैंने क्या बताया कि हमेशा ही क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, टैन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 + α β, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ सीधा सीधा कॉट इनवर्स दे रखा है, तो टैन इनवर्स बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो नीचे आ गया 1 + n n + 1, ऊपर आ गया 1, ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख लिया, तो ये अब अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, टैन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स n, ये ठीक है। तो जिसने भी ये बात ध्यान से सुनी होगी कि इनवर्स की सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा ही डिफरेंस मेथड से होगा, तो वो ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग अलोंग द पाथ दिस, ये ठीक है, अ शोल्डर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट वॉन्ट्स टू हिट द हेलीकॉप्टर व्हेन इट कम क्लोजर, अच्छा ठीक है, ये तो मतलब सिंपली ये है कि एक कर्व दे रखा है, उसका इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो वो नॉर्मल के अलॉन्ग मिलता है, तो कोई बात नहीं, इस पे एक पॉइंट मान लिया t,7 + t^3/2, इस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, तो ऐसा करने से t में एक इक्वेशन बन जाएगा, बेसिकली क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये ठीक है, वहाँ से t के दो रूट आ जाएंगे, उसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा होगा, और दूसरे से आंसर आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये ठीक है, मॉडरेट बोलूँगा मैं इसको, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α β, मतलब सम ऑफ स्क्वायर तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, उसको ऐसे लिख लें, तो सम माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट इज 2 माइनस लैम्डा, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, जिसका मिनिमम वैल्यू माइनस d/4 होता है,
तो इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन फोर होगा, सीधा सीधा कैलकुलेट कर लिया मेरे ख्याल से विद इन 70 सेकेंड से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 13th क्वेश्चन इज टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ दिस एंड दिस। अब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइनें दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि जो पैरेललोग्राम है वो बेसिकली रेक्टेंगल है, ये ठीक है। ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर थ्री, इसका इक्वेशन दे रखा है y माइनस एक्स बराबर थ्री, तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये पॉइंट आ जाएगा 0.3, सही है, हाँ बिल्कुल। और डायगनल्स मीट एट 2.4, तो डायगनल 2.4 पे बता रखा है तो उससे क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला करके डायगनल तो बाइसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो बची हुई लाइन है वो भी इन दोनों गिवन लाइन के पैरेलल ही होगा और एक तीसरे पॉइंट इससे पास करा, ये पॉइंट आ गया तो उसका मतलब इन दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। अब पेयर वाइज सॉल्व कर लो तो सारे वर्टिसेस आ जाएंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन में माइनस वन से वन डोमेन हो गया ओपन एंड आर हो गया एफ एक्स बराबर मैक्सिमम ऑफ माइनस मॉड एक्स, तो माइनस मॉड एक्स तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। और ये हो गया वाई बराबर माइनस, तो y बराबर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता तो अपर सेमी सर्किल होता, माइनस रूट माइनस, ये हमने फंक्शन में पढ़ा रखा अच्छी तरह, तो वो ये वाला सर्किल हो गया ये, ठीक है, लोअर सेमी सर्किल हो गया। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ऊपर वाला कर्व, तो इसमें से ऊपर वाला कर्व मतलब ये रख लिया, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट ऑफ डिस क्या चाहिए था, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये हो गया जीरो हो गया और ये तीसरा हो गया, तीन पॉइंट हो गया, माइनस वन वन पे ओपन लगा रखा है तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, तो आंसर तीन आ गया, ये भी 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर डायग्राम फंक्शंस अगर ध्यान से पढ़ाए तो। द वैल्यू ऑफ दिस, अब ये दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो माइनस पाई बाई टू इज माइनस 1.57 के आसपास, तो साइन एक्स में तो क्या है, साइन एक्स के तो वैल्यू जीरो वन माइनस वन इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू यही हो सकता है, तो साइन एक्स तो वहां ब्रेक होगा जहां इसका वैल्यू जीरो को क्रॉस कर रहा हो या माइनस वन को क्रॉस कर रहा हो, माइनस वन को तो क्रॉस नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो इसकी वजह से, साइन एक्स की वजह से तो केवल जीरो पे ब्रेक होगा, माइनस पाई बाई टू से जीरो तक तो ये माइनस वन रहेगा हमेशा और जीरो से पाई बाई टू तक जीरो रहेगा ये, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज पे ब्रेक होगा, तो ये अब ऐसे ब्रेक होगा माइनस पाई बाई टू से माइनस वन, माइनस वन से जीरो, जीरो से वन एंड वन से पाई बाई टू, इतनी जगह ब्रेक होगा ये, ठीक है। वो जैसे माइनस पाई बाई टू से माइनस वन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो माइनस टू हो जाएगा क्योंकि माइनस वन के लेफ्ट में, साइन एक्स वाला पार्ट माइनस वन रहेगा, तो ये डी एक्स अपॉन माइनस टू माइनस वन प्लस फोर आगे इंटीग्रेट हो जाएगा बस ऐसे इंटरवल वाइज ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्स रेस्ट टू पावर फाइव ई रेस्ट टू पावर माइनस फोर एक्स क्यूब, अगेन वेरी सिंपल, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स रेस्ट टू पावर फाइव को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो अब क्या करो माइनस फोर एक्स क्यूब को टी रख दो, तो ये वाला एक्स क्यूब तो टी बनाने के काम आ जाएगा और ये वाला एक्स स्क्वायर डी टी बनाने का काम आ जाएगा, वहाँ यूज हो जाएगा, तो अगला जो इंटीग्रल आएगा वो कुछ ऐसे आएगा टी ई रेस्ट टू पावर टी, जिस पे बाई पार्ट्स लग जाएगा आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। वो आराम से इंटीग्रेट हो गया तो इतना पार्ट हटा के जो भी बचेगा वो एफ एक्स हो गया, एफ एक्स आ गया तो बाकी सब कुछ आ गया ये, ठीक है। 17th क्वेश्चन इज एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश बराबर इतना, ये ठीक है। एफ डैश और यहाँ पे एफ यूज किया है तो तुम एफ को तो वाई की तरह देखो, तो उसका मतलब क्या है कि ऐसे लिखा है वाई डैश बराबर 7 माइनस 3 बाई 4 वाई बाई एक्स, तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व कर लो आराम से हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लो, एक पॉइंट दे रखा है, सही है हाँ, और जो भी एफ एक्स आए उसको फिर यहाँ पे रख दिया तो इसका लिमिट निकाल लिया, ठीक है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। 18th इज वन प्लस आर, यहाँ वन माइनस आर दे रखा है ओके, और जो ऑप्शन है उसमें 0 1 0 1 और यहाँ दोनों जगह 1 1 है, ठीक है। तो 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब तो ऑफकोर्स एलिप्स हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर 0 और 1 के बीच में तो हाइपरबोला है, तो बस केवल मेरे को एसेंट्रिसिटी की बात चल रही है सब जगह, तो 0 से 1 के बीच में एसेंट्रिसिटी चेक कर लो, वो हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक दूसरी बात चेक कर लो पता लग जाएगा सही है कि कौन सा ऑप्शन है। इफ मैट्रिक्स
इज दिस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए, मॉड ए कैलकुलेट कर लो ये, ठीक है। शायद जहाँ तक मेरे को याद है कुछ बी स्क्वायर बाई थ्री आते हैं, अपॉन बी से हो जाएगा बी प्लस थ्री बाई बी। अब इस पे मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, ये ठीक है। अब इसके ऊपर ए एम जी एम लगा के टू रूट थ्री बोल सकते हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन,